हाँ, मोबाइल ऐप्स पैटर्न करना जरूरी है, नहीं तो ऐप्स आइडिया कॉपी पेस्ट हो सकता है। आजकल मोबाइल ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं, हर कोई अपना मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, लेकिन ऐप बनाना आसान नहीं है, इसमें समय, प्रयास और पैसा लगता है। अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऐप का पैटर्न करना चाहिए। पैटर्न करने का अर्थ है कि आप अपने ऐप के सभी फीचर्स और कार्यक्षमता को एक दस्तावेज में लिख लें। इस दस्तावेज में आपको यह लिखना चाहिए कि आपका ऐप क्या करेगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे और यह कैसे काम करेगा। पैटर्न करना बहुत जरूरी है, इसके कई फायदे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लाव साकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैविंग वर्क्ड एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज। हाँ, मोबाइल ऐप्स पैटर्न करना जरूरी है, नहीं तो ऐप्स आइडिया कॉपी पेस्ट हो सकता है। आजकल मोबाइल ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं, हर कोई अपना मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, लेकिन ऐप बनाना आसान नहीं है, इसमें समय, प्रयास और पैसा लगता है। अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऐप का पैटर्न करना चाहिए। पैटर्न करने का अर्थ है कि आप अपने ऐप के सभी फीचर्स और कार्यक्षमता को एक दस्तावेज में लिख लें। इस दस्तावेज में आपको यह लिखना चाहिए कि आपका ऐप क्या करेगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे और यह कैसे काम करेगा। पैटर्न करना बहुत जरूरी है, इसके कई फायदे हैं। तारांकन पैटर्न करने से आपको अपने ऐप के सभी फीचर्स और कार्यक्षमता को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। तारांकन पैटर्न करने से आपको अपने ऐप के डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। तारांकन पैटर्न करने से आपको अपने ऐप के बारे में निवेशकों को समझाने में मदद मिलती है। तारांकन पैटर्न करने से आपको अपने ऐप के आइडिया को कॉपी पेस्ट होने से बचाने में मदद मिलती है। अगर आप अपना ऐप आइडिया किसी को बताते हैं और उसके पास पैटर्न नहीं है, तो वह आसानी से आपके ऐप आइडिया को कॉपी कर सकता है और अपना ऐप बना सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैटर्न है, तो कोई भी आपके ऐप आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऐप का पैटर्न करना चाहिए। पैटर्न करना आपके ऐप के सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आपके मोबाइल ऐप का पैटर्न करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। तारांकन अपने ऐप का उद्देश्य लिखें। आपका ऐप क्या करेगा? तारांकन अपने ऐप के लक्षित दर्शकों को लिखें। कौन आपके ऐप का उपयोग करेगा? तारांकन अपने ऐप के फीचर्स को लिखें। आपके ऐप में कौन कौन से फीचर्स होंगे? तारांकन अपने ऐप के कार्यक्षमता को लिखें। आपके ऐप कैसे काम करेगा? तारांकन अपने ऐप के डिजाइन को लिखें। आपका ऐप कैसा दिखेगा? तारांकन अपने ऐप के विकास को लिखें। आपके ऐप को कैसे विकसित किया जाएगा? तारांकन अपने ऐप के लॉन्च को लिखें। आपके ऐप को कैसे लॉन्च किया जाएगा? आप अपने ऐप का पैटर्न खुद भी कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास पैटर्न करने का अनुभव नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें। एक प्रोफेशनल आपके ऐप का पैटर्न करने में मदद कर सकता है और आपके ऐप को सफल बनाने के लिए आपको सुझाव दे सकता है। तो अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऐप का पैटर्न करना चाहिए। पैटर्न करना आपके ऐप के सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।